बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फेसबुक के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो आज की वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। फेसबुक अकाउंट ओपन करें, फेसबुक अकाउंट ओपन किया, यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट आ चुका है। इसको आप चाह रहे हैं मैं परमानेंटली बंद करना चाह रहा हूँ, यानी इसको हमेशा तौर पर ख़त्म ही हो जाएगा आपका अकाउंट आपके नंबर से, तो थ्री डॉट पर क्लिक करें। थ्री डॉट पर क्लिक करें। अक्सर अवकात बहुत सारे दोस्तों ने दो तीन आईडीज़ बनाई होती हैं, उनको हमेशा के तौर पर ख़त्म करने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके नीचे आएँ। यहाँ पर देखें आपको सेटिंग प्राइवेसी का ऑप्शन है, 2022 और 2023 की लेटेस्ट अपडेट है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सेटिंग के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। सेटिंग के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निक, यानी कि प्रोफाइल सेटिंग, तो प्रोफाइल सेटिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग पर ही क्लिक करना है। दो तरीके के अकाउंट डिलीट होते हैं, एक तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाना, एक सिर्फ आर्जी तौर पर डिलीट होना। आप दोनों में से हमेशा के लिए अगर आप डिलीट करना चाहें तो आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आप प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल पर नहीं क्लिक करना, आपने स्क्रॉल ऑन करेंगे। यहाँ पर देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे भी आपको डीएक्टिवेट अकाउंट लिखा हुआ है। ये जो अकाउंट डिलीट होता है ये आर्जी तौर पर होता है। चूज़ योर फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड क्लोज, यानी कि जो आपके फ्रेंड है वो क्लोज़ हो जाएंगे। इस तरीके से आपने परमानेंटली डिलीट करना है तो आपने बैक आना है। बैक आने के बाद स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करने के बाद यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो नीचे देखें डिलीट और आपको डीएक्टिवेट और डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें डीएक्टिवेट और डिलीट का एक ऑप्शन आपको शोर है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप गौर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है परमानेंटली, तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है डीएक्टिवेट एंड डिलीशन, तो यहाँ पर आप गौर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट या टेम्परेरी, और यहाँ पर आपको परमानेंटली, तो टेम्परेरी या परमानेंटली आप करना चाह रहे हैं तो डिलीट पर आप क्लिक करें, और उसके बाद आपने कंटिन्यूज़ पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यूज़ पर आपने क्लिक करके यहाँ पर आपने चूज़ करना है कौन सी चीज़ आप डिलीट करना चाह रहे हैं, पेज डिलीट करना चाह रहे हैं, अकाउंट डिलीट करना चाह रहे हैं। तो मैं अकाउंट डिलीट करना चाह रहा हूँ, पे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, तो हमने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर आपके सामने दोनों चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। कंटिन्यूज़ पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद हमें पूछा जा रहा है किस वजह से डिलीट करना चाह रहे हैं। भाई आप किस वजह से कह रहे हैं कि आई स्पॉट टू मे टाइम फेसबुक, या आप यहाँ पर मुख्तलिफ का माई अकाउंट हैकिंग, या आई डोंट फेक लिखा हुआ है, आपने पर्सनल कनेक्शन है तो पर्सनल कनेक्शन पर क्लिक कर दे, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस डिलीटिंग, आपने कंटिन्यूस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखें डिलीट का ऑप्शन तमाम शो हो चुके हैं, यहाँ पर आपका आ चुका है, यहाँ पर डिलीट अकाउंट आ चुका है। पबजी कॉन्टैक्ट है, जो जो चीज़ें आपके मोबाइल फ़ोन यानी कि फेसबुक से कॉन्टैक्ट हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। आपने कहा डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है। डिलीट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड यहाँ पर कंटिन्यूस आपने करना है। पासवर्ड जैसे ही आप कंटिन्यूस करेंगे आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ आपके सामने, अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। यहाँ पर आपने कंटिन्यूस पर क्लिक कर देना है। फिलहाल मैं इस अकाउंट को क्लोज नहीं करूँगा, जैसे ही मैं कंटिन्यूस पर क्लिक करूँगा फौरी तौर पर ये डिलीट हो जाएगा। आप 30 दिन के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पर डिलीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।